हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आइसोमेट्रिक व्यू लेके आया हूँ, जो कि फर्स्ट एंगल बताऊंगा कि फर्स्ट एंगल में इसको आप कैसे बना सकते हो, क्योंकि अक्सर एग्जाम में फर्स्ट एंगल भी पूछ सकता है, क्योंकि फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल दो एंगल होते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, तो अधिकतर थर्ड एंगल पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारा फर्स्ट एंगल में पूछ लेता है, हम क्या करते हैं थर्ड एंगल में उसको बना देते हैं, तो आप ये गलती मत कीजिएगा। चलिए हम इसका इस क्वेश्चन, ये जो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है, हम इसका फर्स्ट एंगल बताएंगे कि किस तरह आपको फर्स्ट एंगल में ऑर्थोग्राफी बनाना है इस आइसोमेट्रिक का प्रोजेक्शन। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए वीडियो पर चलते हैं। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है, हमारा देखते हैं, हमारा फ्रंट व्यू यहाँ पर दिया हुआ है, साइड व्यू यहाँ पर दिया हुआ है और टॉप व्यू यहाँ पर दिया है, एकदम सेम है। हमारा फ्रंट व्यू किस साइड दिया है और साइड व्यू किस साइड दिया है, हमें ये ध्यान रखना है कि फ्रंट व्यू किस साइड दिया है और साइड व्यू किस साइड दिया है। तो फ्रंट व्यू हमारा किस साइड दिया है, राइट हैंड साइड, और ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो फर्स्ट एंगल में क्या होता है कि जो हमारा राइट हैंड साइड में है, जो फ्रंट व्यू हमारा लेफ्ट हैंड साइड में चला जाता है, यानी फर्स्ट एंगल में चेंज हो जाता है हमारा व्यू। हम जो व्यू फ्रंट व्यू में देखते हैं, हम राइट हैंड साइड में, वो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बनेगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में बनेगा, यानी हमारा जो भी प्रोजेक्शन होगा वो पूरा टोटली चेंज हो जाएगा इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टोटली हमारा जो व्यू, यानी हम जो सामने देखते हैं उसका अपोजिट साइड में हमारा व्यू बनते हैं। तो आप याद ध्यान दीजिएगा, जो भी फर्स्ट एंगल में अगर पूछता है तो फ्रंट व्यू राइट हैंड साइड में देगा, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में बनाना है। चलिए हम आपको प्रोजेक्शन से बता दे रहे हैं। यह है कोऑर्डिनेट लाइन होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो हम इसे ग्राफ बोलते हैं सिंपल में। ये आप ग्राफ भी, मतलब आपको समझाने के लिए मैं ग्राफ बोलता हूँ। ये हमारा ग्राफ हो गया। अब हमारा क्या होता है, जो फर्स्ट एंगल में क्या होता है, अगर फ्रंट व्यू यहाँ पर है तो हमारा क्या होता है कि फ्रंट व्यू हमारा यहाँ बनेगा थर्ड एंगल में। ये फर्स्ट एंगल का है और ये होगा ये थर्ड एंगल, ये हमारा थर्ड एंगल का है, ये हमारा थर्ड एंगल का है। अगर हमें फर्स्ट एंगल बनाना है तो हमारा ये जो फ्रंट व्यू है हमारा इस साइड चला जाएगा, या ध्यान दीजिएगा, ये फ्रंट व्यू है हमारा इस साइड चला जाएगा और टॉप व्यू इस साइड चला जाएगा। ये जो साइड व्यू है ठीक हमारा फ्रंट व्यू के ठीक बगल में बनता है साइड व्यू। ये कुछ इस तरीके से हमारा हो गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट एंगल, और ये जो था पहले ये हमारा थर्ड एंगल में था, ये हमारा थर्ड एंगल में था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको मैं इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो पर चलते हैं, आइसोमेट्रिक पर, नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो हमारे ये आइसोमेट्रिक व्यू है और हम इसे ऑर्थोग्राफी में थर्ड एंगल बनाते हैं। तो पहले हम आपको समझाने के लिए, आपको बनाने के लिए ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, या कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट लाइन, और इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी कहते हैं। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और ये जो दो लाइनें हमारी होती हैं, एक लाइन होती है डार्क और एक हल्की होती है, ये तो आप सभी को पता होगा, मेरे वीडियो में अक्सर ये आपने सुना होगा कि ये हमारा क्या होता है, सपोर्टिंग लाइन होता है, और इस लाइन पर हमारा जो भी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन होता है वो उसमें बनता है। तो आप इस तरह एग्जाम में जरूर बनाए, तो आपका जल्दी बनेगा और एक्यूरेट और राइट बनेगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर। अब हमें आइसोमेट्रिक व्यू है, तो हमारा फ्रंट व्यू यहाँ पर है, फर्स्ट एंगल बनाना है, तो हमारा फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो हम क्या करते हैं, फ्रंट व्यू देख लेते हैं कि हमारा फ्रंट व्यू में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, लंबाई देख लेते हैं और ऊंचाई देख लेते हैं। तो ऊंचाई हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा ऊंचाई हो गया और ये हमारा चौड़ाई हो गया, यानी ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो हमारा ये और ये बनेगा। तब कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। तो इसकी हम ले लेते हैं पहले 50, यहाँ पर दिया हुआ है, तो अब यहाँ से 50 ले लेते हैं। तो हमारा फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, फर्स्ट एंगल में लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड,
टॉप व्यू कहाँ बनेगा, ठीक फ्रंट व्यू के नीचे। साइड व्यू कहाँ बनेगा, ठीक फ्रंट व्यू के साइड में। बस हो गया, सिंपल सा मेथड है, उसमें ज़्यादा तामझाम नहीं करने का। इसके बाद हम चलते हैं ये ऊंचाई और लंबाई, पहले लंबाई ले लेते हैं फिर ऊंचाई। तो लंबाई कितना है 50 और ये 32 ले लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। कितनी की थी, 50 की थी, तो 50 का भी हम चाहे थी 32, ये हमारा बॉक्स बन गया। अब चलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू पर। अब हमें देखते हैं यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है। अभी इसकी ऊंचाई हमारे दी है 10 mm, तो हम पहले इसकी ऊंचाई देख लेते हैं। ये 10 mm यहाँ लगा दिए और 10 mm यहाँ पर लगा दिए, दोनों को टिक कर दिए। टिक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक दूसरे पॉइंट को मिला देंगे। ये इस तरह मिला दिए। अब हमारा क्या हुआ, फ्रंट व्यू में ये चीज़ हमारा बन गया। जो चीज़ फ्रंट में है इस तरह लाइन कर लीजिए या हेक्साइन कर लीजिए, यही चीज़ हमें बनानी है। बस हमें ये चीज़ बनानी है और ये चीज़ बनानी है। अब ये हो गया हमारा। अब ऊपर का क्या हो गया, ये लाइन, ये जो सेंटर है, सेंटर कितना है 20 है, यानी 15 इधर 15 इधर। तो हम क्या करेंगे, पंद्रह यहाँ से पॉइंट लगा लेंगे, 15 यहाँ से और 15 यहाँ से, यानी यहाँ से 20 हो जाएगा। ये देखिए 20 दिख रहा है ना, यहाँ पॉइंट लगा 15 इधर से और 15 इधर से, ये 20 हमारा दिख रहा है। अब 20 का हमारा ये बनेगा, ये हिस्सा बनेगा, ये हमारा फ्रंट व्यू है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट व्यू है तो ये हिस्सा हमारा बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी दूरी देखते हैं। तो इसकी दूरी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 8 mm, 8 mm दोनों तरफ नाप के और इसको इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। तो अब क्या करते हैं, 8 पॉइंट, अब दोनों क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देंगे, ये जो बीच का है। अब हमें ये चीज़ बनाना है, ये चीज़, ये तो हमारा बॉक्स बना हुआ है। अब इसका हम लेते हैं, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका सेंटर कैसे निकालेंगे। अब इसका सेंटर, जो इसका सेंटर होगा हमारा इसका भी होगा। तो हम चलते हैं, पहले सेंटर निकाल लेते हैं। 2.5 2.5 5 होता है, तो इसका सेंटर यहाँ पर ले लिए, ये हमारा सेंटर हो गया। सेंटर लेने के बाद कितना है, 14 है, इसकी चौड़ाई कितनी है 14 और इसकी ऊंचाई कितनी है 5, ये 5 है और ये 14 है। तो पहले इसकी चौड़ाई ले लेते हैं फिर ऊंचाई ले लेते हैं। चौड़ाई कितना होगा, 14 हो जाएगा, 7 7 14, यहाँ से 7 नाप लेंगे और पॉइंट यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, करेंगे पहले इसको मिटा लेंगे, कर दिए इरेज। करने के बाद हम क्या करेंगे, 8 मीटर, 8 नहीं 5 mm ऊपर की तरफ था, ये 5 mm ऊपर की तरफ, ये इस तरह और 5 mm यहाँ से था, ये इस तरह। हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों को हम क्या करते हैं, मैच कर देते हैं, मिला देते हैं। ये कुछ इस तरीके से हमारा फ्रंट व्यू बना। अब देखते हैं फ्रंट व्यू में अब क्या चीज छूटा है। अब देखिए हमारा ये चीज बन गया और हमारा ये चीज़ बन गया, बनकर हमारा पूरा रेडी हो गया, यानी हमारा जो फ्रंट व्यू है बनकर तैयार हो गया। ये फ्रंट व्यू है बनकर तैयार हो गया। अब बनाएंगे साइड व्यू। साइड व्यू में हम क्या बनाएंगे, अब ये हमारा साइड व्यू दिया हुआ है, तो साइड व्यू में देखेंगे कि हमारा क्या चीज़ बनाना है। तो हमें खाली ये चीज़ बनाना है, एलनुमा है, ये चीज़ हमें खाली बनाना है और हमें इसका गैप दिखाना है, ये जो स्लॉट कटा हुआ है इसका गैप दिखाना है। तो हमारा कैसे बनेगा, इसकी ऊंचाई और इसकी लंबाई या चौड़ाई,
तो हम इसकी ऊंचाई देख लेते हैं 32 है, इसकी चौड़ाई कितनी है 36 है। तो हमारा ये क्या होगा, राइट हैंड साइड में बनेगा ऊपर की साइड में, यानी हमारा ये बनेगा फर्स्ट एंगल में, ये बनेगा हमारा फ्रंट व्यू के ठीक साइड में बनेगा ये। चलिए चलते हैं, कितना था चौड़ाई 36 था, ऊंचाई 38, तो चौड़ाई देख लेते हैं, चौड़ाई 36, चौड़ाई कितनी थी 36, तो हम यहां से 36 नाप लेते हैं। और ऊंचाई कितनी थी, ऊंचाई तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं इसी का हम नाप लेते हैं, यहाँ पर ऊंचाई हम ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं इसी को आगे की तरफ हल्का सा मैच कर देते हैं। हम क्या करेंगे इसी को हल्का सा आगे की तरफ मैच करने के बाद हम क्या करते हैं इसको, ये हमारा बॉक्स बनकर तैयार हो गया। अब हम देखते हैं डायग्राम पर, अब हमें क्या बनाना है, इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है 10 mm, और इसकी चौड़ाई यहाँ पर दी हुई है। अगर इसकी चौड़ाई देखनी है तो हमें बस ध्यान देना है कहाँ दिया है इसकी चौड़ाई, तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी चौड़ाई ले लेंगे, कितना है इसकी चौड़ाई 18 mm, यानी mm 18 mm है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 18 mm नाप लेके खींच लेते हैं लाइन को, ये 18 mm, और यहाँ से यहाँ पर बिंदु लगा लेते हैं, और यहाँ से 10 mm, अब 10 mm ये क्यों नापे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये गैप है, ये 10 mm का यहाँ पर दिया हुआ है, 10 mm का गैप है, तो हमारा ये 18 यहाँ से खींच लिया, और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है ये आप क्या 10 माइनस कर दीजिए, 32 में 10 माइनस कर दीजिए, उतनी लाइन हमारी यहाँ पर निकल जाएगी। तो आप 32 में 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे यहाँ से यहाँ तक हमारा 22, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा हो जाएगा 22, और यहाँ से 10, तो हम क्या किए हैं वही चीज किए हैं, यहाँ से हम 10 नाप लिए हैं, 10 नापने के बाद अब क्या किए हम इसको मैच कर दिए हैं, मैच करने के बाद हम क्या करेंगे इसको मिला देंगे, बस बहुत सिंपल है, मिलाने के बाद इसको डार्क लाइन कर देंगे, और इसको हम क्या करेंगे मिटा देंगे। इतना होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अब देखेंगे हमें ये स्लॉट, ये स्लॉट है यहाँ पर देखिए, ये स्लॉट है, अगर हम इस साइड से देखेंगे, साइड व्यू से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे, ये मान लीजिए हम देख रहे हैं इस साइड से देखेंगे, तो ये हमें स्लॉट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमें केवल इतना ही दिखाई देगा, ये एरिया ही हमें दिखाई देगा, हमें ये नहीं दिखाई देगा कि ये इसमें स्लॉट इसमें कटा हुआ है, बाकी हम टॉप व्यू से और फ्रंट व्यू से देखेंगे ये स्लॉट कटी हुई है, तो ये हमारा इस साइड से छुपा हुआ है। तो छुपी हुई वस्तु को दर्शाने के लिए हमें हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं, इतना भी आपको परिभाषा याद होना चाहिए कि छुपी हुई लाइन को दर्शाने के लिए हम हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा हिडन लाइन हो जाएगा। तो हम हिडन लाइन कैसे देंगे, ये हमारा स्लॉट कटा हुआ फ्रंट व्यू से, तो हमें यहाँ पर स्लॉट काटना है, तो हम क्या करते हैं इसी को वहां पर काट लेते हैं, यहाँ पर हिडन लाइन दे देते हैं, हिडन लाइन ये इस तरह रहेगा, सारी लाइनें बराबर रहेंगी, एक समान दूरी पर रहेंगी, ये और ये मैच होना चाहिए लाइन, ये हमारा हिडन लाइन हो गया, यानी हमारा साइड व्यू ये हमारा हो गया। अब ये हमारा ये भी स्लॉट कटा हुआ है, साइड व्यू में ये भी स्लॉट कटा हुआ है, बाकी हमें इस साइड से नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब हमें इसका भी हिडन लाइन बनाने पड़ेंगे, वो भी कितने 5 mm में, यानी इसके मिडिल में, ये 10 mm का है और इसकी जो गैप है 5 mm का स्लॉट पूरा यहाँ से यहाँ तक कटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसका स्लॉट बनाते हैं। चलिए चलते हैं, ये हमारा ये रहा फ्रंट व्यू का स्लॉट, तो हम क्या करेंगे इसी को हम हिडन लाइन दर्शा देते हैं, ये हमारा हिडन लाइन हो गया, अब ये हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया, कोई चीज छूटा नहीं है, फ्रंट का ये बन गया हमारा, ये हिडन लाइन बन गया, इसका भी स्लॉट का हिडन लाइन बन गया। अब बनाते हैं हमारा टॉप व्यू, अब टॉप व्यू बनाते हैं, अब टॉप व्यू में देखेंगे कि क्या चीज हमारा दिया हुआ है,
तो लंबाई चौड़ाई तो सेम है, लंबाई और चौड़ाई 36। तो चलिए चलते हैं। अब हमारा क्या हो गया, टॉप व्यू बनाना है। तो टॉप व्यू बनाने के लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं। इसी लाइन को आगे की तरफ ले आते हैं, ये कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, इसको डार्क कर देते हैं। इस लाइन को हम डार्क कर देते हैं, ये डार्क लाइन हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहां से 36, क्योंकि ये चीज हमारा जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये जब आएगा ये इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से, यानी ये सीधा हो जाएगा। ये हमारा जो बनेगा ये इस तरह आ जाएगा, इस तरह। ये हमारा इस तरह आ जाएगा 90 डिग्री पर। तो हमारा ये जो है और ये चीज हमारा 36 आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां से 36 ले लेते हैं। एक बॉक्स बना लेते हैं, ये बॉक्स बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई ले लेंगे। जब इसकी चौड़ाई 18 है तो इसका भी 18 होगा, इसका भी 18 होगा, इसका भी 18 होगा, यानी सब समान है इसकी दूरी डायमेंशन की। तो हम क्या करेंगे, पहले 18 लेके और इन दोनों को लाइन को मिला देते हैं। यहां से क्या करेंगे, हम 18 ले लेते हैं। और इधर से भी हम पॉइंट मिला देते हैं 18। इन दोनों को हम मिला देते हैं कुछ इस तरीके से। अब क्या करते हैं, ये हमारा 15 दिया हुआ है। 15 कहाँ से आएगा, ये हमारा 15 दिया हुआ है और ये भी हमारा 15 दिया हुआ है। तो ये जो स्लॉट हम फ्रंट व्यू बनाया है, ये स्लॉट हम जो फ्रंट व्यू बनाया है, इसी लाइन को हम आगे की तरफ खींच लेते हैं। चलिए देखते हैं, यही लाइन हमारा यहां तक ही आएगा, इस वाले लाइन तक ही हमारा आएगा, ना कि हमारा पूरा एंड तक आएगा। एंड तक मतलब यहां तक, ये बस हमारा यहां तक ही आएगा, क्योंकि हमारा स्लॉट यहीं तक बना है। हम इसी को भी बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से, ये हमारा ऊपर का है कुछ इस तरीके से। अब हम ऊपर से ये चीज दिखाई दे रहा है एकदम फ्लैट, जैसे कि फ्लैट दिखाई दे रहा है, यहां भी हमारा एकदम फ्लैट दिखाई दे रहा है। बाकी हमें क्या बनाना है, इसका ये स्लॉट जो नीचे की तरफ बना है, जो फ्रंट व्यू के नीचे की तल के नीचे बना हुआ है, जैसे आप देख रहे तल के नीचे बना हुआ है ना सरफेस पर ये स्लॉट, तो ये स्लॉट हमारा पूरा यहां से यहां तक है, एक एंड से दूसरे एंड तक है। तो हम इसका भी डायमेंशन लेंगे, वो भी इससे हिडन लाइन से, क्योंकि हमें ऊपर से नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हिडन लाइन का प्रयोग करके इसको दर्शा देंगे कि हमारा जो नीचे का एरिया सरफेस एरिया में स्लॉट बना हुआ है वो दिखाई देना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका स्लॉट बनाएंगे कैसे। अब इसी लाइन को हम क्या करेंगे, हिडन लाइन दे देंगे पूरा एरिया, इस एंड से इस एंड तक, इन टू आउट तक। हम क्या करेंगे, यहां से हिडन लाइन दे देंगे। इसको भी हम हिडन लाइन दे देते हैं। ये हमारा हिडन स्लॉट कटा हुआ है, तो आप जान जाएंगे कि सरफेस पर स्लॉट कटा हुआ है। फ्रंट व्यू में दिख रहा है कि एकदम साफ स्लॉट कटा हुआ है और साइड व्यू में भी दिख रहा है। तो ये हमारा टॉप व्यू का सारा एरिया बन गया, हमारा ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, और हमारा जो स्लॉट बना हुआ दोनों वो हमारा स्लॉट बन गया। अब हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये बना है फर्स्ट, फ्रंट व्यू यहाँ दिया था तो हम यहाँ पर कर दिए, क्योंकि पूरा चेंज हो जाता है। जो राइट हैंड साइड में देता है उसको हम लेफ्ट साइड में बनाते हैं इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। तो इसको हम क्या करते हैं, डायमेंशन दे के देख लेते हैं किस तरह होगा, और प्लस आपको सिंबल पता होगा तो आप सिंबल जरूर बनाएं।
ये डायमेंशन बनकर तैयार हो गया। डायमेंशन कुछ इस तरह आपको देने होंगे, ये 5 mm, ये 14 mm, ये 20 mm, जितने भी डायमेंशन हैं आप दे सकते हैं। फ्रंट, ये हमारा फ्रंट हो गया 5 mm बनेगा, ये 5 mm, 5 mm, 5 mm, ये सारे 5 mm होगा। ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, जो कि हमारा फ्रंट व्यू फिगर में इस साइड दिया था, जैसे आप देख सकते हैं साइड में यहाँ पर दिया हुआ, तो यहाँ पर साइड में दिया हुआ है फ्रंट व्यू हमारा, यहाँ पर दिया हुआ है और साइड व्यू यहाँ पर दिया हुआ है, और जो हमारा टॉप व्यू है ठीक उसके ऊपर दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डायमेंशन, ये 18 mm, 15 mm, 15, 20, आपको कुछ इस तरीके से डायमेंशन आपको देने होंगे। इसके बाद आपको लिखने होंगे ऑल डायमेंशन आर इन mm, वो भी पूरे 5 mm लिखने होंगे, ऑल डायमेंशन आर इन mm, जितने भी डायमेंशन हमारे mm में है, और यहाँ पर साइड में लिखना होगा ऑल डायमेंशन आर इन mm विथ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। जितने भी ड्राइंग में हम यूज करेंगे लेटर या कुछ भी लिखना हो, हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, 5 mm में कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, हम ऐसे नहीं ले सकते हैं। ड्राइंग का वो है एग्जाम है, तो हम 5 mm में ही सारे वर्ड लिखेंगे, जो भी वर्ड लिखेंगे इसमें mm नहीं लिखेंगे। ये हमारा 50 हो गया, तो इसमें mm नहीं लिखेंगे, mm, 50 mm, 36 mm, 14 mm, तो ये हमारा नंबर काट लिए जाते हैं, सही होने के बावजूद काट लिए जाते हैं। पहले नंबर आप देख लीजिए, लिखने बाद आप साइड में नीचे हेडिंग मतलब एरो डालकर ऑल डायमेंशन आर इन mm लिख सकते हैं। अगर आप mm भूल जाते हैं लिखना ऑल डायमेंशन mm, तो उसमें भी आपको नंबर कटेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखें और अच्छे से देखें, और मैं इसी तरह और भी वीडियो बनाता रहूँगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, मैं भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा।